दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं MRT टूल के बारे में। आप MRT डोंगल यूज करते हैं और MRT टूल ओपन करते हैं, उसमें आपको MTK टूल में काफी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप MRT टूल ओपन करते हैं लेकिन MTK टूल आपका ओपन नहीं होता है, और ये जो शिकायत है काफी लोगों के साथ में है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कैसे इसका सोल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा, और पूरी वीडियो को देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप MRT टूल ओपन करते हैं तो उससे पहले आप जो है अपना एंटीवायरस जो कंप्यूटर में अगर है आपका तो उसे डिसेबल करें, डिसेबल करके उसे एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, और जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल आप यूज कर लेते हैं, ठीक है, MRT टूल का जो एक्सट्रैक्ट करके यूज करते हैं उसे, और जब आपका काम खत्म हो जाता है फिर एंटीवायरस आप जो है इनेबल कर दे और सेटअप को डिलीट मार दे, फिर जब आपको दोबारा यूज करना हो तो फिर एंटीवायरस डिसेबल करें, फिर से दोबारा एक्सट्रैक्ट करके फिर से उसे यूज करें। ठीक है, तो पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि MRT का सेटअप है 3.26, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे ओके किया, ये साइट ओपन होगा, साइट को क्लोज कर देना है। MRT टूल 3.26 ओपन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो है MRT 2.60 यहाँ से इस टूल के माध्यम से ही मुझे ओपन करना है। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद ये टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों नीचे में हमारा जो MRT जो 2.60 यहाँ ओपन हो चुका है, और इसमें जो प्रॉब्लम ये है मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या आता है। चलिए मैं पहले इसको मिनिमाइज कर दूं मेन टूल को। तो इसमें जो ये मेन प्रॉब्लम है कि MTK टूल ओपन नहीं होता, चाहे कितनों बार भी इसमें क्लिक मारे, ठीक है, ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, और क्यों ओपन नहीं होता है इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं MTK टूल पे कई बार यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये टूल ओपन नहीं हो रहा है। चाहे आप MRT का 3.53 सेटअप यूज करें या 2.60 यूज करें, सब में अभी यही प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, आपका ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको करना क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पे है सर्विस वन सर्विस टू। सर्विस वन में अगर आप रखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है रिस्टार्ट करने लिखाएगा। ठीक है, तो रिस्टार्ट यानी कि आपको सॉफ्टवेयर दोबारा क्लोज करना होगा। ठीक है, सर्विस टू में रखेंगे तो आपका जो है MTK टूल ओपन नहीं होगा, सर्विस वन में रखेंगे तो MTK टूल आपका ओपन होगा। ठीक है, तो सर्विस वन मैंने किया। ठीक है, ये रिस्टार्ट करने लिखा है, तो रिस्टार्ट कैसे करना है आपको, यानी इस MRT 2.60 को, ठीक है, सर्विस वन करके यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज हो गया, फिर मेन टूल को हमें ओपन करना है MRT 3.26 या आपके पास जो भी है 5.3, ठीक है, उसको दोबारा ओपन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे MRT 2.60 इसे आपको क्लिक करना है एक बार। तो सर्विस वन मैंने सिलेक्ट किया, टूल को मैंने क्लोज कर दिया, दोबारा से मैंने ओपन किया। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप MTK पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक MTK टूल ओपन हो गया। ठीक है, MTK पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक MTK टूल ओपन हो गया। ठीक है, यानी जितनी बार भी हम इसे ओपन करेंगे ओपन हो जाएगा अभी। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो भी टूल को आप क्लिक मारोगे सभी टूल काम करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका जो है सर्विस वन को सिलेक्ट किया इस वजह से, लेकिन आपको बता दूंगी इसमें सारा जो है टूल ओपन हो जाएगा आपका सर्विस वन में। सर्विस टू में जो है आपका HW टूल ओपन नहीं होगा। ठीक है, HW टूल अगर आपको ओपन करना है, यानी हवाई टूल को अगर आपको ओपन करना है तो फिर आपको सर्विस टू मेथड सिलेक्ट करना होगा। समझ गए ना, यानी सर्विस वन में आपका टोटल टूल ओपन होगा। जब भी कोई MRT सेटअप आप डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में, उसे एक्सट्रैक्ट करके जब यूज करते हैं तो वो सर्विस वन में टू में रहता है। ठीक है, इसीलिए आपका MTK टूल ओपन नहीं होता और कोई टूल आपको ओपन नहीं होता है। तो आपको मैन्युअली उसे जो है सर्विस वन में रखना होगा, तभी आपका टोटल टूल MTK टूल वीवो टूल QC टूल जो MI टूल सभी टूल आपका वर्क करेगा। ठीक है, और सर्विस टू में जो है आपका ओनली आपका हवाई टूल वर्क करेगा। समझ गए ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।